हाँ जी प्यारे बच्चों, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। वो ट्रायंगल बच्चों किसी भी तरह का हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलीस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों आपने 9th क्लास के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम की थी, अब आप ज्योमेट्री को क्या कर रहे हो, एलजेब्रिकली कर रहे हो। हर साइड का बच्चों मिड पॉइंट दिया हुआ है और अब आपको ये वाले पॉइंट निकालने हैं, ए बी और सी, उसके मेन पॉइंट निकालने हैं। अब बच्चा क्या करता है, और आपने सीबीएसई में भी वैसे ही करना है, ए के बच्चों x1 y1 मान लो, बी के x2 y2 मान लो, और सी के x3 y3 निकाल लो। उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके तीनों पॉइंट, अब सीसास को ऐड करो, एक बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और एक होगी x1 प्लस x3, उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो आपके पास ऑर्डिनेट आते जाते हैं, लेकिन दैट्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आपको मालूम है वो थर्ड साइज के पैरेलल भी होता है, हाफ भी होता है, और जिन बच्चों ने मिड पॉइंट थ्योरम 10th 9th क्लास अच्छे से की है तो उन्हें मालूम है कि पहला पैरेललोग्राम तो ये मिल रहा है आपको, ठीक है, कौन सा है बच्चों, BEF, और दूसरा पैरेललोग्राम जो है DEF, और ये वाला जो है बच्चों EAF, ये तीसरा पैरेललोग्राम मिल रहा है। मतलब इस एक फिगर के अंदर तीन पैरेललोग्राम छुपे हुए हैं और एक जो ट्रायंगल है उसके अंदर मेन है, और ये चार ट्रायंगल मिल रहे हैं और चारों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 1/4 होता है। ये आपने 9th क्लास के अंदर किया हुआ है, लेकिन अब हमारा मेन मुद्दा ए पॉइंट निकालना, बी निकालना और सी निकालना। तो ये शॉर्टकट उसी तरीके से बनाया गया। अब आपने जब अपने ए निकालना है तो आपने क्या करना है, एफ प्लस ई माइनस सी, इज इट क्लियर, जो उसके सामने वाला है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और इसको जो मैंने लिखा है ये एफसीसा के लिए भी ये होगा, ऑर्डिनेट के लिए भी ये होगा। देखो क्या कहते हैं, 3 + 3 कितना हुआ, 6, 6 में से 1 गया 5, नेक्स्ट -1 -3 -4, -4 -1 -5, तो ये ए के वर्टिसेस आ गए 5, -5। अब बी के निकाल, तो बी बच्चे बहुत, अब तो वो ऐसे निकलेगा डी प्लस एफ माइनस ई। अब देखो बच्चों 1 + 3 = 4, 4 में से 3 गया 1। अब आगे देखो बच्चों 1 - 1 = 0, 0 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1, 3। तो इस तरह बी के पॉइंट भी आ जाएंगे, अब सीसा भी आ जाएगा, ऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अब बच्चों सी के कोऑर्डिनेट हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट होंगे ई प्लस डी माइनस एफ, तो 1, 4, 4 में से 3 3 - 2 -2 + 1 तो -1। इस तरह विद इन सेकेंड अपने सारे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और ये जो शॉर्टकट्स हैं आप सीबीएसई में भी अपना चेक करने के लिए फटाफट निकाल सकते हैं। और यदि अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपने ये जो ज्वाइनिंग करके एक ट्रायंगल बनाया था उसका सेंट्रॉइड निकालना है या बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है, दोनों का सेंट्रॉइड भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो इस तरह आपने विद इन सेकेंड अपने आंसर को हल कर सकते हैं। तो आपने ज्योमेट्री और जो प्लेन ज्योमेट्री की है उसका कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो आपको शॉर्टकट्स मिलते जाएंगे।